शिवाजी मैदान में खेली जा रही दैनिक भास्कर इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट में रविवार को खिताबी मुकाबला सेंट थॉमस और खालसा स्कूल की टीमों के बीच खेला जाएगा। शनिवार को सेमीफाइनल मैच में दो रोमांचक मैच खेले गए, जिसमें पहले मैच में सेंट थॉमस की टीम ने सेंट ग्रेबियल की टीम को पराजित कर फाइनल में जगह बनाई, तो वहीं दूसरा मुकाबला खालसा चौथा पुल स्कूल और लेनार्ड स्कूल की टीमों के बीच हुआ, जिसमें जीत हार का नतीजा टाई ब्रेकर में हुआ। खालसा ने लेनार्ड को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। शिवाजी मैदान में आयोजित दैनिक भास्कर इंटर स्कूल फुटबॉल स्पर्धा का जादू फुटबॉल प्रेमियों के सर चढ़कर बोल रहा है। शनिवार को प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में दो रोमांचक मैच खेले गए। पहला मैच सेंट थॉमस और सेंट गैब्रियल की टीम के बीच खेला गया, जिसमें दोनों ही टीमों ने उम्दा खेला और इस कांटे की टक्कर के बीच सेंट थॉमस की टीम ने 3 गोल कर दिए और सेंट गैब्रियल की टीम 2 गोल ही कर सकी। इस पर सेंट थॉमस की टीम ने 10वीं बार फाइनल में जगह बना ली है। हम 10वीं बार फाइनल में पहुंचे हैं और ये परमेश्वर की कृपा है कि हम पहुंच पाए। परमेश्वर ने मेरे हाथ पैर और मेरे पूरी शरीर को चंगा रखा, भला चंगा रखा, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दैनिक भास्कर को, जो हमारे बीच में युवा खिलाड़ियों के बीच में इतना अच्छा टूर्नामेंट कराते हैं और सब फेयर गेम होता है और अच्छा गेम चलता है, इसलिए मैं इनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद देना चाहूँगा अपने कोच और अपने स्कूल का, अपने टीम मेट्स का, जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। और अकेले फुटबॉल नहीं खेली जाती, टीम के साथ ही खेली जाती है, इसलिए टीम ने भी मेरा बहुत साथ दिया, इसलिए मैं टीम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आज 3 गोल से हम लोग जीते हैं, मैंने 2 किया जी। कल फाइनल मैच रहेगा और हम टफ पूरी कोशिश करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, पूरा टफ खेलेंगे। हम कोशिश करेंगे हम ये मैच निकालें। हम 3 बार ही फाइनल जीते हैं, हम कोशिश करेंगे हम 4th बार ही फाइनलिस्ट बनने वाले हो सके, फाइनल के विजेता हों। पहले मैच में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के GM मनीष ठाकुर और मध्य प्रदेश राज्य भू संपदा समिति के सदस्य दीपक अग्रवाल और वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर तिवारी ने कहा कि जिस प्रकार से दैनिक भास्कर इस आयोजन के जरिए फुटबॉल खेल को बढ़ावा दे रहा है, वो काबिले तारीफ है। भास्कर पत्रकार समूह की मैं बहुत प्रशंसा करूंगा, क्योंकि प्रति वर्ष ये ऐसा कोई ना कोई आयोजन कराते हैं जो स्कूली बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहता है। यहाँ से योग्यताएं और प्रतिभाएं आगे आती हैं। क्योंकि मैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और इस मध्य प्रदेश फुटबॉल के डॉक्टर हूँ, तो मैं जानता हूँ कि जो अंडर 19 फुटबॉल प्रतियोगिता है ये कितनी महत्वपूर्ण होती है और भास्कर का उसमें बड़ा अच्छा योगदान है, जो प्रतिवर्ष इसको आयोजित करती है और बड़ी सफलतापूर्वक इसका आयोजन चल रहा है। भास्कर समूह को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये टूर्नामेंट जो है साल दर साल ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा है और भास्कर की जो पूरी टीम है वो इसको निरंतर अपने प्रयासों से आगे ले जा रही है। बहुत शानदार टूर्नामेंट है, बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आप, और मैं चाहूँगा कि ऐसी चीज़ मतलब इस टाइप के खेल के प्रतियोगिताएँ आगे भी चलती रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मैं रखता हूँ कि भास्कर इसमें और लीड ले और शहर भर के जितने बच्चे हैं उनको खेल में प्रोत्साहित करें, हम और प्लेग्राउंड्स अवेलेबल कराएं, जिसमें सारे यूथ को खेल की तरफ हम लोग को जागृत करना है, जिससे कि ये एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी है, इसमें बच्चों का सारा उनका मेंटल और हेल्थ दोनों डेवलप। वहीं दूसरे मैच में लेनार्ड और खालसा स्कूल चौथा पुल की टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला और दोनों ही टीमों ने मैच में 2-2 गोल करते हुए मामला टाई ब्रेकर तक पहुंचा दिया और बाद में जीत हार का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ, जिसमें खालसा चौथा पुल ने 5 मौकों में 4 को गोल में तब्दील किया, वहीं लेनार्ड की टीम 3 गोल ही कर पाई।
इस प्रकार खालसा फाइनल में पहुंच गई और अब खिताबी भिड़ंत सेंट थॉमस और खालसा स्कूल के बीच होगी। और इसके साथ खालसा पहले से खालसा की तरफ से लेनॉर्ड से मैच था हम लोग का और अच्छा लगा जीत के, बड़ा मेहनत वाला मैच था और अच्छा पूरी टीम अच्छा सपोर्ट करके खेली हम लोग को और सेमीफाइनल था आज का मैच अच्छा लिएगा और फाइनल हम लोग का सेंट थॉमस से फंसेगा, अच्छा लगेगा मैच में जीतने में, ट्राई करेंगे वाला मैच भी जीतने का, अच्छी टीम है दोनों टीम, अच्छा मैच होगा और पूरी टीम अच्छा सपोर्ट करके खेली है आज, नेक्स्ट मैच भी ट्राई करेंगे। हम लोग दो दो मैच ड्रॉ हो गया था, सेकंड हाफ में थोड़ा सा डर गए थे, टीम डाउन हो गई थी, मोटिव डाउन हो गया टीम का, पर फिर अच्छा हुआ अटैक करे हम लोग ने, दो दो ड्रॉ हो गया था, पेनाल्टी शूट आउट में हम लोग जीत गए। दूसरे मैच के अतिथियों डॉक्टर वाईसी चाऊ, फुटबॉल संघ के सचिव अमित रंजन देव और लैंडमार्क डेवलपर्स के डायरेक्टर स्वप्निल पाठक एवं संदीप तिवारी ने खिलाड़ियों के शानदार खेल को सराहा और साथ ही दैनिक भास्कर समाचार पत्र समूह को भी साधुवाद दिया। दैनिक भास्कर द्वारा प्रतिवर्ष इंटर स्कूल टूर्नामेंट आयोजन शिवाजी ग्राउंड जबलपुर में होता है, ये विगत 21 सालों से हो रहा है और एक सराहनीय है, इसमें शहर के बच्चों को प्रोत्साहन देकर उनमें जो टैलेंट छुपा है फुटबॉल के प्रति उसको निखारने का अवसर मिलता है, ताकि ये बच्चे पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स के प्रति भी अपनी जागरूकता बनाएं और भविष्य में अपना प्रोफेशन भी बनाएं। समय समय पर जिस तरीके से भास्कर अन्य अन्य विभिन्न कार्यक्रम करता है, चाहे हम जैसे देखें गणेश जी के समय में वो मिट्टी की मूर्तियों को प्रमोट करता है, चाहे बारिश के समय में प्लांटेशन का काम हो या नवरात्रि के समय में गरबे का आयोजन हो, उसी तरीके से खेल को लेके एक जो लोगों में एक जागरूकता लेके आया है भास्कर, आज की स्थिति में जबलपुर में इस तरीके का आयोजन होना बहुत बड़ी बात है और साथ में अगर इन युवाओं को भास्कर जैसा मंच मिलता है तो नेशनल लेवल पे ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो इसके लिए दैनिक भास्कर परिवार को बहुत आभार। जबलपुर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन एज वेल एज एमपी फुटबॉल एसोसिएशन के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जबलपुर में एज ग्रुप फुटबॉल प्लेयर्स को आगे बढ़ावा देने के लिए भास्कर द्वारा जितना भी प्रयास किया जा रहा है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, यही खिलाड़ी जो है आगे हमारे नेशनल में और इस जो अपने ओपन टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट, उसके साथ जबलपुर की लोकल जो फुटबॉल है उसमें भी भाग लेते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत भास्कर को धन्यवाद। सेमीफाइनल मैच के समापन पर खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। प्लेयर ऑफ द मैच है जिन्हें कल पुरस्कृत किया जाएगा और वो नाम है एक बार फिर से सेंट थॉमस के जर्सी नंबर 10। कल हम दर्शकों को बताना चाहूंगा, कल हम ठीक 3 बजे से खालसा स्कूल चौथा फाइनल और सेंट थॉमस के बीच में एक बार फिर से फाइनल मुकाबला इंटर स्कूल के बाद फुटबॉल मैच होगा, सेंट थॉमस हाई स्कूल के बीच में।